महीने पहले बनाई थी ये नया वीडियो, हाँ ये पिछले साल के रेट है। इस साल के रेट आप देखोगे आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ 40-45 लाख रुपए की वो है, और हाँ इंडिया में कितनी है? 3.99। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स एक्शन वीडियो में। सो गाइस, आपको ये तो पता होगा कि इंडिया में टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स कौन है, पर मैं श्योर हूँ आपको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स कौन सी होंगी। तो आपका यह डाउट भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में पाकिस्तान में 10 सबसे ज्यादा सेल करने वाले कार्स और इंडिया में 10 सबसे ज्यादा सेल्स करने वाले कार्स दोनों आपको देखने को मिलेंगे और उनके प्राइस भी। और यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी क्योंकि आप पाकिस्तान के कार प्राइस देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। और ऑल ओरिजिनल वीडियोस के चैनल लिंक एंड नेम्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही किसी भी वीडियो का आप मिक्स एक्शन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स एक्शन जल्दी इस चैनल पर आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। मैं आपसे मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। हेलो एवरीवन, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे इंडियन कार्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि हर महीने या फिर हर साल टॉप सेलिंग के लिस्ट में रहते ही रहते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी साइड में आपको टॉप 10 ऐसे पाकिस्तानी कार्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि हर महीने या फिर हर साल टॉप सेलिंग के लिस्ट में रहते ही रहते हैं। दोस्तों इन दोनों कंट्रियों के लिस्ट में जो कार्स देखने को मिलने वाले हैं वो दोस्तों ऑल टाइम पॉपुलर कार्स हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपको हर साल लिस्ट में ऊपर या फिर नीचे देखने को मिल ही जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन सभी कार्स के नेम और साथ साथ इन दोनों कंट्रियों के अकॉर्डिंग इनकी प्राइस भी बताने वाला हूं। दोस्तों लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि इन दोनों कंट्री में कौन सी कार ब्रांड है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है और किस कंपनी की जो कार है वो सबसे ज्यादा सेल होती है दोनों ही अलग अलग कंट्रीज में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 पे आने वाले पाकिस्तानी कार के बारे में, जिसका नाम है Hyundai Tucson। दोस्तों इसकी प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 74.6 लाख से स्टार्ट होती है। और दोस्तों नंबर 10 पे जो इंडियन कार आता है उसका नाम है मारुति सुजुकी ब्रेजा। दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 7.99 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। और दोस्तों नंबर 9 पे जो पाकिस्तानी कार आता है उसका नाम है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। दोस्तों इसकी प्राइस वहाँ पे स्टार्ट होती है तकरीबन 31.80 लाख रुपीज से। और दोस्तों नंबर 9 पे जो इंडियन कार आता है उसका नाम है टाटा पंच। दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 5.99 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है। और दोस्तों नंबर 8 पे जो पाकिस्तानी कार आता है उसका नाम है होंडा BRZ। दोस्तों इसकी प्राइस वहाँ पे तकरीबन 42.49 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है। और दोस्तों नंबर 8 पे जो इंडियन कार आता है उसका नाम है मारुति सुजुकी अर्टिगा। दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 8.41 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। और दोस्तों नंबर 7 पे जो पाकिस्तानी कार आता है उसका नाम है सुजुकी बोलेरो। दोस्तों इसकी प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। और दोस्तों नंबर 7 पे जो इंडियन कार आता है उसका नाम है Hyundai Creta। दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 10.43 लाख से स्टार्ट होता है। और दोस्तों नंबर 6 पे जो पाकिस्तानी कार आता है उसका नाम है होंडा सिविक और होंडा सिटी। दोस्तों इन दोनों की प्राइस अलग अलग है। होंडा सिविक की जो पाकिस्तान में प्राइस है वो तकरीबन स्टार्ट होती है 63.49 लाख रुपीज से, और वहीं होंडा सिटी की जो प्राइस है वो पाकिस्तान में तकरीबन 37.69 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। और दोस्तों नंबर 6 पे जो इंडियन कार आता है उसका नाम है मारुति सुजुकी डिजायर। दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 6.24 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। और दोस्तों नंबर 5 पे जो पाकिस्तानी कार आता है उसका नाम है सुजुकी वैगनार। दोस्तों इसकी प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 27.54 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है। दोस्तों नंबर 5 पे जो इंडियन कार आता है उसका नाम है मारुति सुजुकी अल्टो। दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 3.99 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। और दोस्तों नंबर 4 पे जो पाकिस्तानी कार आता है उसका नाम है सुजुकी कल्टस। दोस्तों इसकी प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 27.54 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। वही दोस्तों नंबर 4 पे जो इंडियन कार आता है उसका नाम है टाटा नेक्सॉन। इसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 7.69 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। वही दोस्तों नंबर 3 पे जो पाकिस्तानी कार आता है उसका नाम है टोयोटा करोला। दोस्तों इसकी प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 45.69 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। वही दोस्तों नंबर 3 पे जो इंडियन कार आता है उसका नाम है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 5.91 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। वही दोस्तों नंबर 2 पे जो पाकिस्तानी कार आता है उसका नाम है टोयोटा यारिस। इसकी प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 35.39 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है। वही दोस्तों नंबर 2 पे जो इंडियन कार आता है उसका नाम है सुजुकी बलेनो। दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 8.28 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। वही दोस्तों नंबर 1 पे जो पाकिस्तानी कार आता है उसका नाम है सुजुकी ऑल्टो। इसकी प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 19.76 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। वही दोस्तों नंबर 1 पे जो इंडियन कार आता है उसका नाम है सुजुकी वैगनार। दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 5.44 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उससे पहले दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि दोनों ही कंट्री में कौन सी ऐसी कार ब्रांड है जो 10 लाख से नीचे नीचे है। और ये तो अच्छी बात है कि आपके वहाँ पे हर कोई अफोर्ड कर सकता है गाड़ी। अब इसके रीजंस क्या हैं
हमारी करेंसी, हमारा जो 1 रुपया है वो इंडियन तकरीबन 3.68 रुपीज़ यानी 4 रुपये के आसपास बनता है। फिर भी हमारी कीमतें क्यों ज़्यादा हैं उतनी बढ़ा देने के बाद भी, कम होनी चाहिए थी हमारी, क्योंकि इंडिया में कार्स बनती हैं, हमारे यहाँ सिर्फ असेंबल होती हैं, और फिर ड्यूटीज़, हर मुल्क की अपनी ड्यूटीज़ टैक्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बाकी मुझे ना अभी भी हंसी आ रही है, मतलब जो ऑल्टो इंडिया में 6 या 7 की है, तो यहाँ पे इन्होंने भाई ने थोड़ी सी प्राइसेस कम बताई हैं, ऑल्टो हमेशा 30 इन्होंने जो प्राइसेस बताई हैं आप समझ लें उससे 10-10, 15-15, 17-17 लाख ऊपर है उनकी प्राइसेस, तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। ठीक है, 1.5 VTEC वगैरह जो भी है, तो जो सिविक है वो भी पहुंची हुई है जनाब 74-75 लाख पे, और टोयोटा जो करोला है, एक ग्रैंडी आ रही है अभी, नॉर्मल GLI XLI वगैरह नहीं आ रही, तो ग्रैंडी जो है वो तकरीबन 70 लाख की हो गई है, 70 से 72 लाख की। नॉर्मल जो 1.6 है वो तकरीबन है 65 लाख तक है, 60-65 लाख तक। और सिविक की मैंने आपको बता दी हैं प्राइसेस, ये जो न्यू मॉडल हैं ये उसकी हैं, जो ओल्ड मॉडल हैं लाइक 21 मॉडल ये कुछ दिन पहले ली थी तो वो 60 लाख की मिली है, तो आगे तो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। और ऐसे ही किसी भी वीडियो का अगर आप मिक्स सेक्शन देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस वीडियो का मिक्स सेक्शन जल्दी इस चैनल पर ले आऊंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी मिक्स सेक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।